विदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। पाकिस्तान जो अभी थोड़ी देर पहले बहुत उछल रहा था, इमरान खान से लेकर कुरैशी तक भारत को कुछ से कुछ कह रहे थे, अब भारत ने उनका पहाड़ों से वो हाल कर दिया है कि त्राही माम करने लगे। भारत ने रोक दी है पानी। भारत के इस काम से बिना लड़े ही आधी जंग जीत गया है भारत। अब की भारत ने चीन और पाकिस्तान दोनों का इलाज एक बार में निकाल लिया है। दोनों की ही नकेल एक बार में कसने को तैयार हो गया है भारत। जानेंगे आखिर पाकिस्तान के साथ भारत ने ऐसा कैसे कर दिया है। तो वहीं जिनपिंग को अचानक क्या सूझी कि जिस बात को वो छिपा रहा था उसने अपने पार्टी के 100वें जन्मदिन पर सबके सामने रख दिया। आखिर क्या प्लानिंग थी जिनपिंग की? अपनी पार्टी के 100वें जन्मदिन पर जिनपिंग ने आखिर गलवान घाटी से मिली एक लेटर को क्यों दिखाया अपनी जनता को? साथ ही साथ कुछ फटे हुए कपड़े और 4 एप्लीकेशन लेटर। आखिर गलवान घाटी में ये चीजें जिनपिंग को कैसे मिली? जानेंगे इन खबरों को विस्तार। आजकल पाकिस्तान कुछ ज्यादा ही उछलने लगा है। ऐसा है कि पाकिस्तान की एक कमजोर नस भारत के पास है और जिस कमजोर नस को के भारत बिना लड़े ही आधी लड़ाई जीत लेता है। ये जो स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं इसमें आपको कई सारी नदियां बहती हुई दिखेंगी। पश्चिमी तरफ से इंडस, झेलम और चेनाब, वहीं पूर्वी तरफ से रावी, ब्यास और सतलुज। अब ये नदियां हैं जो कि चाबी हैं, जिसके जरिए जब पाकिस्तान को सीधा करना होता है तो भारत इसका इस्तेमाल करता है। 1960 से भारत इसे एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट के रूप में इस्तेमाल करता रहा है। अब भारत का ये कहना है कि ये जो 6 नदियां चल रही हैं, इन 6 नदियों का पानी हमें इस्तेमाल करना है, अपने उन क्षेत्रों को भेजना है जहां पे पानी की कमी है। सुनने में ये बड़ा अच्छा लग रहा है, यहां से नहरें निकाल दो और नहरें निकाल कर इन नदियों का पानी अपने देश में अलग अलग इलाके में भेज दो। भारत का प्लान है कि पूरी तरीके से इस पानी का इस्तेमाल करो अपने देश में। लेकिन असल में भारत एक तीर से दो निशाना साध रहा है। भारत इन नदियों का पानी अपने इलाके में अगर रोक लेता है तो इससे सीधे सीधे प्रभावित होगा पाकिस्तान और साथ में चीन। अब आप सोचेंगे इस जगह पे चीन तो पड़ता नहीं है, फिर चीन को कैसे सबक सिखाएगा भारत? तो आपको बता दें, चीन इस इलाके में हो या ना हो, लेकिन चीन का सीपेक तो यहाँ पे है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये तो प्रभावित होगा क्योंकि यही नदियाँ आगे चलकर पाकिस्तान में घुसती हैं। अब भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए इस पर कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाने शुरू कर दिए हैं, जिसमें से एक जम्मू और कश्मीर का 850 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, तो वहीं 800 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट बरसार में है और 1000 मेगावाट का पाकलदुल में है, तो वहीं 624 मेगावाट का कीरू और 540 मेगावाट का केवार में। ये सारे प्रोजेक्ट इन 6 नदियों के पानी को जहां अपने देश में सही जगह पे पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, तो वहीं पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भी कहा जाता है। अब यहां से जो नदियां पाकिस्तान जाती है उसका इस्तेमाल पाकिस्तान भी खेती से लेकर अपने उद्योगों तक में करता है, पर अब भारत ने बिल्कुल साफ साफ कहना शुरू किया है कि ये हमारा पानी है और ये हमारे किसान हैं, इसलिए हम अपने पानी को अपने किसानों को देंगे। किसी को कोई हक नहीं है कि वो इस मामले पर बोले। भारत के मंत्री शेखावत ने इस बात को पुरजोर तरीके से उतारा है कि हम पूरे प्लान के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान ने कई बार इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट प्लान का विरोध किया। कई बार किशन गंगा पे झेलम में जो हाइड्रो प्रोजेक्ट बन रहे हैं उसके लिए पाकिस्तान अपना विरोध जता चुका है, लेकिन पाकिस्तान की बातों का कोई असर नहीं हुआ है और अब भारत ने इस पे जोर शोर से काम शुरू कर दिया है। साथ ही साथ भारत ने ये कहा है कि 1960 में जिस तरीके से बंटवारा हुआ है वो भी गलत हुआ है। ये जो ट्रीटी साइन हुई है इसके अकॉर्डिंग हमें मात्र 32% पानी मिलता है और 68% उन्हें मिलता है, ये कैसा बंटवारा है, हम इसे नहीं मानेंगे। वैसे इस प्लान के ऐलान के बाद से ही पाकिस्तान आधा
वैसे ही जंग हार चुका है। वहीं दूसरी तरफ गलवान घाटी में जो कुछ भी हुआ उसे चीन छिपाता रहा है। जो फ्री स्टाइल लड़ाई हुई बिना हथियारों के, दोनों देश की सेना भिड़े, जिसमें चीन यही कहता है कि उसके 4 लोग मारे गए हैं, जबकि उसका दोस्त रूस भी इस बात को प्रूफ करता है कि 40 से 45 चीनी सैनिक इसमें ऊपर पहुंच गए हैं। गलवान वैली का 2020 का सबसे भयानक चीन के लिए लड़ाई थी गलवान वैली की लड़ाई। और अब जब 100 साल का जन्मदिन मना रहा था जिनपिंग, तब उसे याद आया गलवान घाटी में मारे गए वो शहीद। अब इसी पार्टी के दौरान कई ऐसी चीजें गलवान घाटी की निकाल कर सामने रख दी गई। ये पहली बार था जब चीन की मिलिट्री ने गलवान घाटी की कई चीजें दिखलाई। चीन के अनुसार 4 लोग मारे गए थे जिनका जन्म 1987, 1996, 1996 और 2001 में हुआ था। शियो शियान, वांग जुरान, जेन जियारोंग, ये वो सैनिक हैं जिनकी उम्र 24 साल और 19 साल थी। ये बातें चीन कह रहा है। पहली बार है जब चीनी मीडिया और चीन की सेना ने इन चीजों को सामने रखा। हालांकि संख्या उन्होंने अभी भी घटा कर ही रखा, पर इसमें और भी कई चीजें दिखलाई गई। इसमें एक शख्स का कॉटन जैकेट दिखलाया गया जो फट गया था, चिथड़े उड़ गए थे। चीन ने बतलाया कि ये वो सोल्जर है जो गलवान घाटी में ऊपर पहुंच गया। उसका नाम था जियो सियान। उसके बाद बटालियन कमांडर चेन होंगजुन का एक डायरी मिला। उस डायरी में उसने ये लिखा था, बंद टूटे हुए दरवाजे को ठीक करना है, सारी चीजों को साफ करना है। आपको बता दें ये जो दो लाइनें उसने लिखी थी ये कोडवर्ड था। तो वहीं एक चीनी सैनिक का पत्र भी मिला जो उसने 2 बार लिखने की कोशिश करी, लेकिन वो अपने खत को पूरा नहीं कर पाया क्योंकि लड़ाइयां चल रही थी। उसने अपने खत में सिर्फ इतना लिखा, डियर मॉम, उसके बाद वो इसे पूरा नहीं कर पाया। तो वहीं एक और सैनिक का खत भी दिखलाया गया जिसने 4 बार एप्लीकेशन दी थी कि वो चीन की सीपीसी पार्टी को ज्वाइन करना चाहता है। इतना सारा रोना धोना जिनपिंग ने दुनिया के सामने रखा, लेकिन फिर भी सही संख्या नहीं बतलाई। अभी भी सिर्फ 4 सैनिकों को सम्मान दिया, बाकी सैनिकों को सम्मान नहीं दिया। अब आप सोचेंगे जिनपिंग ने इन सारी चीजों को दिखला कर क्या जताना चाहा? तो आपको बता दें जिनपिंग ने अपने देश में इन चीजों को दिखला कर देशवासियों की सहानुभूति बटोरने की कोशिश करी और अपनी जनता का ध्यान अपनी कमियों और जिस तरीके से चीन बर्बाद हो रहा है उधर न ले जाकर युद्ध की तरफ ले जाने की कोशिश करी है। उसने ये कोशिश करी है कि जनता के अंदर राष्ट्रवाद भड़के और वो मेरी वजह से हो रही समस्याओं को नजरअंदाज कर दे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को पाकिस्तान जाने वाले इस पानी को रोकना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।